एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये व्लॉग मैंने अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कर दिया है और मैं जा रही हूँ पूजा करने। और मेरे जवा के पौधे में 5-6 फूल आए हैं एक्चुअली, और 2 फूल खिल गए हैं, तो वही मैं तोड़ रही हूँ और जा रही हूँ पूजा करने। और यही फूल मैं भगवान को चढ़ा दूँगी। और यहाँ पूजा करने के बाद सीधी किचन में आ गई हूँ। बाज़ार गई थी तो वहाँ से धनिया मिर्ची वगैरह जो हल्का फुल्का सामान रोज़ का रहता है वो लेकर आई हूँ। और आज हमने ब्रेकफास्ट में ये छोले मैंने बॉईल किए थे। यहाँ एक तरफ छोले की सब्ज़ी बन रही है, एक तरफ एस्ट्रो का खाना। तो आज हमने ब्रेकफास्ट में ये छोले हल्के से थोड़े निकाल लिए थे, चाट मसाला, काला नमक, नींबू वगैरह डाल के यही हमने ब्रेकफास्ट किया है और चाय पी है। और यहाँ पूरा फैला हुआ है किचन में अभी इस वक्त। छोले मसाले मेरा ख़त्म हो गया था, एक्सपायरी डेट उसकी ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ नया मंगा के वो भी भर लिया है। एक तरफ चावल भी बन गए हैं। और आज आपको दूंगी एक बहुत ही अच्छी, इजी और हेल्दी रेसिपी। ये आज मैं पहली बार आपको ये रेसिपी दे रही हूँ, और इसको आप डाइट चिकन बोल सकते हैं। बिल्कुल होटल स्टाइल जैसा रोस्टेड आप एकदम पूरा खाते हैं, स्मोकी फ्लेवर वाला वो बनेगा। और फुल्ली डाइट चिकन है ये, बहुत कम ऑयल में सब कुछ मैं बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या इसमें लगेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें कुकमी का यूज़ करती हूँ, चिल्ली पाउडर। तो बस 1 टीस्पून के करीब मैंने चिल्ली पाउडर डाला है, एंड 1/2 टीस्पून से भी बहुत कम मैंने गरम मसाला डाला है। और स्वाद के हिसाब से नमक, सब कुछ एक ही बार में डालेंगे, बाद में कुछ नहीं डालना है। ये है चिकन तंदूरी मसाला, तो ये पूरा 1 चम्मच मैंने भर के डाला है। एकदम जरा सा काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 कटोरी दही। ये छोटी कटोरी है, मैंने इसको पूरा फुल नहीं किया है। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स चला लीजिए, और उसके बाद ही दही डालिए आप। दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं लगेगा। बस इसमें एकदम जरा सा हम ऑयल डालेंगे। और अगर आपके पास, आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं कि एक बूंद भी तेल आपको नहीं चाहिए, तो फिर आप नॉन स्टिक में बनाइए, तो आपको वो फिर तेल डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें डालेंगे, मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, देखिए एकदम सिर्फ 1 टीस्पून। जो मैंने ज़रा सा लिया था उसमें से भी मैंने बचा दिया है। और यहाँ फ़िलहाल मैंने बिल्कुल फुल फ्लेम पर ये वाला चिकन चढ़ा दिया है। और एस्ट्रो का खाना काफ़ी देर तक स्लो गैस पर मैं बनाती हूँ, क्योंकि चिकन काफ़ी अच्छी तरीके से एकदम गल जाता है, तो वो अच्छे से खाता भी है। तो इसके खाना बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और बस यहाँ सारा ही सामान जो फैला हुआ पड़ा था, तो वहाँ उस साइड आप देख रहे हैं कढ़ाई में छोले भी रखे हुए हैं, और सारा सामान ही हटा के अब रखूँगी। और कुछ कांच के बर्तन भी हैं जिनमें थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह किया था, चाय पी थी, तो मैं अक्सर एवरीडे ही बर्तन धोने से पहले सबसे पहले सारे कांच के जितने भी बर्तन हैं तो वो मैं धोकर हटा देती हूँ। तो बस मैं अब यहाँ पर सारी साफ़ सफाई कर लूँगी पहले। धनिया तो मेरे किचन में एक ऐसी सब्ज़ी है जो मैं बाज़ार जाती हूँ, अगर मेरे घर में थोड़ा बहुत बचा हुआ रहता भी है तब भी मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई खाना नहीं है जिसमें मैं धनिया नहीं डालती हूँ। और चटनी अक्सर मैं फ्रिज में बना कर रखती हूँ, किसी भी साइड डिश में हम लोग ले लेते हैं, नाश्ते में काम आ जाती है, तो धनिया तो मीन्स लेकर आना ही है। तो वही मैं दोबारा से लेकर आ गई हूँ, और यहीं पे नेट में लगा के रख रही हूँ। वही आंचल बोल रही है कि खाने में कितनी देर है, और हम लोगों को थोड़ा बाहर भी जाना था बट फिर बाद में प्लान कैंसिल हो गया कि आज नहीं जाएंगे। तो बस मैं यहाँ सारे कांच के बर्तन जो भी है वो धोकर मैं हटा रही हूँ। और आज मैं एक बहुत बहुत अच्छी टिप दूँगी आपको, आपके किचन और आपके घर के लिए
आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम पूरा किचन क्लीन भी कर देते हैं, एक सेटिस्फेक्शन होता है हम लोगों को कि भाई हमने खुद से क्लीनिंग की है तो पूरा क्लीन हो गया है। बट एक कॉकरोचेस वगैरह ऐसे होते हैं, उनसे कई बीमारियाँ भी होती हैं, आपके बर्तनों में घूमते हैं, किचन में जगह जगह काउंटर टॉप पर घूमते हैं, तो उससे क्या है। तो उसी के लिए मैं एक आप लोगों को टिप दूंगी आज, तो वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। और यहाँ मैंने कुछ मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद कढ़ाई खोली है, तो अब इसमें थोड़ा सा हल्का पानी रह गया है चिकन में, तो मैंने ढक दिया है अब स्लो करके। और चिकन बन के अभी पूरी तरीके से रेडी हो गया है। और ये कोयला है, कोल सामने चाय की दुकान से एक आध बस ऐसे ही मैंने हस्बैंड से मंगवा लिए थे, बहुत थोड़े से कोयले की ज़रूरत है। तो बस इसमें इस तरीके से थोड़ी जगह बना के और एक कटोरी रख दीजिए और उसमें कोयला डाल के अब आप ऑयल डालिए, बटर डालिए या घी, जैसे ही धुआं निकलेगा वैसे ही उसको बंद कर दीजिए, तो बस उसमें बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ रेडी है थाली, तो बिल्कुल रोस्टेड ड्राई चिकन, छोले, रोटी, प्याज। तो ये है मेरी आज की थाली, और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप दे रही हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि अपने हमारे किचन में और जगह जगह छिपकली, कॉकरोच और लाल चींटियाँ, ये सब कोई भी एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और ये बोरिक पाउडर है, बोरिक एसिड पाउडर बोलते हैं इसको, ये बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जस्ट फॉर ₹33 है ये, और मुझे ये ₹30 में मिला है। और ये भी है, ये ₹23 का है छोटा इसका, और ये मुझे 20 में मिला है, तो जस्ट आप ₹50 में। मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मैं कबर्ड्स वगैरह के ऊपर भी सारा कुछ डालती हूँ। तो बस इसको आटे की तरह गूंद के, और कोई इसमें दूध वगैरह एनीथिंग कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट आप जो पानी पीते हैं या आपके किचन में जो टैप वाटर है बस उससे। तो ये इस तरीके से, और किचन काउंटर से हट के आप ये काम करें ताकि किसी भी खाने की चीजों में ये पाउडर ना जाए। और बस इसको एकदम ज़रा सा नॉर्मल पानी, एकदम टैप वाटर डाल के आप इसको आटे की तरह गूंद लीजिए, इसमें बहुत ही कम पानी लगता है। और यहाँ ये गूंद गया है, और बस अब इसकी एकदम छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे, बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से ये गोलियाँ बन जाती हैं। और बनाने के बाद इसको थोड़ी देर पंखे के नीचे या फिर ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, तो आधे घंटे या 45 मिनट के अंदर ये पूरी तरीके से सूख जाती है। और यहाँ सारी गोलियाँ बन के रेडी है, मैंने सूखने के लिए रख दी है। ये गोली यहाँ बन के पूरी रेडी है, और जो मैंने दिखाया था दोपहर में पूरी एकदम, ये देखिए पूरी बन के रेडी है। अब सब जगह डाल दूंगी, जैसे कि जहाँ जहाँ मुझे कॉकरोचेस दिखते हैं, जैसे कि इस बास्केट के नीचे से मैंने देखा है कॉकरोच, तो बस यहाँ अंदर सरका दूंगी। तो बस इस तरीके से मैंने डाल दिए, और जहाँ जहाँ आपको कॉकरोचेस दिखते हैं, आपको लगता है कि हाँ यहाँ से आते हैं, इधर दिखते हैं, तो वहाँ कॉर्नर में आप बस रख दीजिए। और ये एक महीना बहुत अच्छा वर्क करती है, एक महीने के बाद इसका कोई भी असर नहीं होता है, फिर से आप दोबारा से बना लीजिए। बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, बस 30-40 रुपए में आप एकदम मीन्स इंसेक्ट फ्री घर हो जाता है, इससे छिपकली भी नहीं आती है, चींटियाँ नहीं लगती है, कॉकरोचेस तो बिल्कुल मीन्स ऐसे गायब हो जाते हैं एकदम। तो ये बहुत अच्छा टिप है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और जब आप इसको यूज़ करेंगे अपने घर में तो आपको क्या फ़ायदा हुआ मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो यहाँ मंदिर के नीचे भी छिपकली वगैरह रहती है, तो वहाँ भी डाल दिया है, पलंग के नीचे भी डाल दिया है, हर ऐसी जगह में मैंने डाला है जहाँ एस्ट्रो नहीं पहुँच सकता है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने मेरे व्लॉग में ज़्यादातर देखा होगा कि ये गैस के बगल ये 3 फ्लोर वाली बास्केट रहती है, बस उसी को मैं हटा रही हूँ। और ये जो मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से रैक, तो बस उसी में सजा के रख रही हूँ, दिखाती हूँ आपको बाद में। और कल बनाऊँगी इडली डोसा, बस उसी के लिए ये मैं गला रही हूँ। तो मैंने 1.5 कटोरी चावल और उसका 1/4 मैंने उड़द की दाल और 1/2 टीस्पून मैंने मेथी दाना, इसको 3 से 4 बार अच्छी तरीके से चावल को धो के और फिर पानी भर के इसको सारी रात में रख दूँगी, फिर सुबह इसको पीस लूँगी और बनाऊँगी लंच में। तो यहाँ मैंने गला दिया है और मेरा किचन का सारा काम भी हो गया है। और आप देखकर मुझे बताइएगा कि
स्पेशियस लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना जो मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है। हेलो एवरीवन, तो अब जाके मैं फ्री हो पाई हूँ। बज रहे हैं रात के 10:05, सारे काम हो गए हैं, बस अब जाके थोड़ा बहुत काम है मोबाइल में। और मोबाइल से याद आया कि मैंने आपको बताया था कि मेरा मोबाइल खराब हो गया है, तो उसको बनने के लिए मैं लेके गई थी दुकान में। तो मोबाइल शॉप में उसको देख के बताया कि डिस्प्ले पूरा उसका खराब हो गया, डैमेज हो गया, और डिस्प्ले ही उसका पूरा चेंज करना पड़ेगा। और कंपनी का जो जिस कंपनी का मोबाइल है ओप्पो का था, तो उसी कंपनी का पूरा डिस्प्ले लगाना पड़ेगा। एंड 15,000 रुपीज कॉस्ट बता रहे उसका। तो मैं समझती हूँ कि 15,000 रुपीज अगर मैं डिस्प्ले में लगाऊंगी तो कुछ पैसे मिला के मैं एक नया मोबाइल ले सकती हूँ। बट वो मोबाइल बहुत अच्छा था। होता है ना कि आपका एक मोबाइल में हाथ सेट हो जाता है, और वो वर्क भी बहुत अच्छा करता था। अब देखती हूँ कैसे क्या होता है। ये वीडियो भी मैं अपने बेटी के मोबाइल से ही शूट कर रही हूँ, और चलिए देखते हैं मोबाइल का तो क्या होता है। और मैंने किचन में आज हल्का फुल्का चेंज किया, मैंने आपको दिखाया, तो वो कैसा लगा आपको आप मुझे बताइएगा। मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो मुझे थोड़ा स्पेशियस लग रहा है। वो ब्लू वाली जो बास्केट थी उसको हटा के इसको मैंने लगाया। वो बास्केट मेरे पास 9-10 साल से रखी हुई थी, आपने हर व्लॉग में देखा होगा मेरे, तो बस उसको आज मैंने हटा के उसको लगाया। मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा चेंज। और मैंने आज आपको डाइट चिकन की रेसिपी दी है, तो बिल्कुल सारे इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करके ही उसको बनाइएगा, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। और आगे भी मैं अच्छी रेसिपीज आपको देती रहूंगी, नो ऑयल रेसिपी, लेस ऑयल रेसिपी, और बाकी और तो मैं देती ही रहती हूँ। तो चलिए आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी।